खाने का क्यों सोचा? भाजी मेरी सेवा अलग अलग काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, 4-5 साल हो गए मेरे को। ये खाने का मैंने अंदर विचार कर लिया था कि जैसे ही बाहर आऊँगा तो फ्री फूड करूँगा मैं। लोगों की मैंने कई कार्ड देखे था, 5 रुपये का खाना, 6 रुपये का खाना, 7 रुपये का खाना, चाहे वो कम पैसे में दे रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं करा कि कोई 3 रुपये भी लिए जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट भाजी, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जेंट्स के लिए लाइन है भाजी, महिलाओं के लिए कोई लाइन नहीं है। तो डेली 1000 लोग यहाँ पे खाना खाएंगे। तो भाई हमारी तरफ से अरदास है तहलका भाई की सेवा जल्दी जल्दी 1000 हो। और तहलका भाई ऐसे तहलका राजमा चटनी प्याज पूरा भर के भाजी। बिग बॉस के बाद अब तहलका भाई ने दिल्ली में तहलका मचा रखा है सेवा करके। तहलका भाई पहले आपको सलूट है, आपने इतनी तहलका मचा रखा है भाजी। आप भी मेरे लिए इतना दूर से सफर तय करके आए हो और ये सब दिखा रहे हो, जनता को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ूंगा। गलत काम करके कुछ हासिल नहीं होगा, नेक कार्य करो यार, जीवन में इतनी सफलता मिलेगी ना सोच नहीं सकते यार। तहलका भाजी देखो पूरी दिल्ली में तो नहीं अभी, लेकिन हाँ भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे करके पूरी दिल्ली में ये कार्ड लगाई जाएगी, जहाँ पे पूरी सेवा फ्री की जाएगी, कोई भाई मेरा भूखा नहीं रहेगा। दिल से प्यार से देख सकते हो आप, ये देखो राजमा की क्वालिटी देखो आप, ये राजमा चटनी प्याज पूरा भर के भाजी। और सब लग रहा है हाइजीनिक बना रहे हो, सब आदमी ग्लव्स हैं, हाथों में देखो ग्लव्स हैं, सब हाइजीनिक बन रहे हैं यहाँ पे। आई लव तहलका भाई, इनका प्यार है। ये कुछ भाई ऐसे भी हैं जो सिर्फ सेवा के लिए आते हैं यहाँ पर। अच्छा, सिर्फ सेवा के लिए आते हैं भाई, सिर्फ सेवा के लिए। मैंने मना करा हुआ है कि मेरे को अभी डोनेशन नहीं चाहिए, बाद में भगवान ने चाहा तो कुछ कमी पेशी होगी तो भाई बैठे हैं, लेकिन अभी 3 महीने से सेवा फ्री है। कुछ लोगों को स्कूटियाँ दी गई हैं, कुछ लोगों को साइकिलें दी गई हैं, आज भी कुछ लोगों को स्कूटी साइकिलें दी जाएंगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी बहुत कम है, 10 से 12 हज़ार जिनकी सैलरी है उनको स्कूटी दी जा रही है भाजी। और ये जो सेवा शुरू हुई थी मेरी, 100 लोगों की शुरू हुई थी, आज 120 हो गई है, और जल्दी भगवान ने चाहा तो डेली 1000 लोग यहाँ पे खाना खाएंगे। तो भाई हमारी तरफ से अरदास है तहलका भाई की सेवा जल्दी जल्दी 1000 हो, और तहलका भाई ऐसे तहलका मचाते रहे भाजी। और एक बात हो रहा है कि जो इंसान गलत काम कर रहा है, गलत जगह पैसा फूंक रहा है, वो किसी का पेट भर देगा ना तो उसका जीवन बदल जाएगा। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, दारू नशा बीड़ी छोड़ दो यार, कुछ नहीं रखा, सब खराब है, सब बर्बाद है, रोड पे आ जाओगे भाजी तो इतना बोलूँगा। तहलका भाई मेरे समझ में आया, बिग बॉस के आने के बाद आपने खाने का क्यों सोचा? भाजी मेरी सेवा अलग अलग काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, 4-5 साल हो गए मेरे को। ये खाने का मैंने अंदर विचार कर लिया था कि जैसे ही बाहर आऊँगा तो फ्री फूड करूँगा मैं। लोगों की मैंने कई कार्ड देखे था, 5 रुपये का खाना, 6 रुपये का खाना, 7 रुपये का खाना, चाहे वो कम पैसे में दे रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं करा कि कोई 3 रुपये भी लिए जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट भाजी, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जेंट्स के लिए लाइन है भाजी, महिलाओं के लिए कोई लाइन अच्छा, नहीं। ये देख सकते हो सब अलग अलग सारे मेरे भाई हैं, सब खुशी खुशी आते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। तो दिखा सकते हो तहलका भाई क्या क्या हो सकता है? पूरा प्रॉपर तहलका है, देखो सब्जी की रंगत देख सकते हो आप, सब्जी की रंगत कैसे होने वाली है।